तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वो लोग शान को ढूंढ लेते हैं जो कि म्यूजिक रूम में छुपा हुआ था, और वो बुली लड़का जॉम्बी के काटने के बाद भी जॉम्बी नहीं बनता। अब इसके आगे इस टाइप के क्वालिटी कंटेंट के लिए वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें मिस्टर ली दिखाए जाते हैं जो कि कहते हैं उन्होंने इस वायरस का नाम योनस वायरस रखा है। अब हमें टेरेस पर वो लड़का दिखाया जाता है जो कि छत पर SOS का साइन बना रहा होता है ताकि कोई उसे देखे और उसे रेस्क्यू करने आ जाए। अब हमें फिर से वही तीर धनुष वाली टीम दिखाई जाती है जो कि जॉम्बी से लड़ते हुए आर्चरी रूम तक पहुंच रहे होते हैं। अब बाकी के सारे लोग यहाँ पर रूम में चुपचाप बैठे होते हैं। अब हमें शान दिखाया जाता है जो कि एक जॉम्बी को मारने की कोशिश कर रहा होता है और वो जॉम्बी एक पियानो के अंदर छुपा होता है, और शान को ऐसा करते देख वही पिंक स्वेटर वाली लड़की देख रही होती है। वो म्यूजिकल रूम के अंदर वाले रूम में होती है जहाँ पर खाने की कोई कमी नहीं होती है। हमें पिछले एपिसोड में एक लड़की की फैमिली दिखाई गई होती है जो कि जॉम्बी बन चुकी होती है, और इसी वजह से वो लड़की खिड़की से कूदने की कोशिश करती है लेकिन बाकी सभी लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो सभी लोग उसे बताते कि ऐसा करना गलत होगा लेकिन वो नहीं मानती। लेकिन तभी ऑन्जो उसे शांत कर अंदर वाले रूम में लेकर चली जाती है जहाँ पर उन दोनों के बीच में बहुत सारी बातें होती है, और अब वो लड़की गलती से माइक ऑन कर देती है जिस वजह से स्पीकर में से आवाज आने लग जाती है, और ये आवाज सुनकर सभी लोग सोच में पड़ जाते कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। और अब इस सबसे क्लास प्रेसिडेंट को एक आइडिया आता है जिसमें वो बताती है कि वो स्पीकर ऑन कर सारे जॉम्बीज को स्कूल की दूसरी तरफ भेज सकते हैं जिससे वो सभी शान के पास जा सकेंगे। लेकिन अब उनके पास कोई भी गाना प्ले करने के लिए इंटरनेट नहीं होता है, इसीलिए वो DVD का यूज करते हैं। अब यहाँ पर सोयुंग माइक में कहता है कि शान तुम जहाँ भी हो तुम वहीं रहना, हम तुम्हें जल्दी ही रेस्क्यू करने आ रहे हैं। और अब यहाँ पर शान मन ही मन कहता है कि इस सब की कोई जरूरत नहीं है, और अब ये बात वो बुली लड़का भी सुन लेता है और कहता है कि मैं शान को जान से मार दूंगा। और अब वो भी पूरे स्कूल में घूमना शुरू कर देता है ताकि वो शान को ढूंढ सके, और अब ये सभी लोग स्पीकर ऑन कर देते हैं जिस वजह से सारे जॉम्बी स्कूल की दूसरी साइड चले जाते हैं। लेकिन एक जॉम्बी वहां से नहीं हटता क्योंकि वो बहरा होता है, और अब ये सभी लोग धीरे धीरे से उस जॉम्बी के पीछे से निकलने लग जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से वो जॉम्बी उन्हें देख लेता है और वो इनके पीछे पड़ जाता है जिस वजह से इन लोगों को भागना पड़ता है। लेकिन अब सोयोंग उन लोगों को बचाने के लिए उस जॉम्बी से लड़ने लग जाता है। अब वो बुली लड़का शान को ढूंढते हुए अनाउंसमेंट रूम तक पहुंच जाता है जहाँ पर वो इन लोगों का प्लान देख लेता है। दूसरी तरफ वो बहरा जॉम्बी सोयोंग को काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर वो बुली लड़का आ जाता है और सोयोंग को बचा लेता है। अब वो बुली लड़का सोयोंग से पूछता है कि आखिर शान है कहाँ पर, जिसके जवाब में सोयोंग कहता है कि आखिर तुम्हें इससे क्या मतलब, और ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो सोयोंग से लड़ाई करने लग जाता है। वो उसे मारने पीटने लग जाता है क्योंकि उसके अंदर जॉम्बी का वायरस भी है, इसीलिए वो सोयोंग को बहुत बुरी कदर से मारने लग जाता है। ये देखकर वहां पर वो क्लास प्रेसिडेंट आ जाती है जो कि उस बुली लड़के को मारने लग जाती है, लेकिन इस सब के बीच में वो बुली लड़का उसे ही काट लेता है और उसे मारने लग जाता है, और उसे ऐसा करते देख सोयोंग उसे खिड़की से नीचे फेंक देता है। अब हमें वो आर्चरी वाली टीम दिखाई जाती है जो कि आर्चरी रूम तक पहुंच गए थे, लेकिन उस रूम के बाहर ताला था और उसे खोलने के बीच में ही उनका एक आदमी जख्मी हो जाता है। यहाँ पर बाकी के सभी लोग म्यूजिकल रूम तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर शान देख लेता है कि प्रेसिडेंट को जॉम्बी ने काटा है, और इसी वजह से वो सभी लोगों को उससे दूर रहने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्वारंटीन सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पर लोगों के लिए खाने पीने के लिए बहुत ही कम सामान बचा होता है। अब यहाँ पर उस पॉलिटिशियन और उसकी वाइफ के लिए 2 सोल्जर्स खाना लेकर आते हैं। अब हमें ऑन्जो के फादर दिखाए जाते हैं जिन्हें 1 महीने के लिए क्वारंटीन सेंटर से बाहर निकलना मना था, लेकिन अगर वो यहाँ पर 1 महीना रह गए तो उनकी बेटी को कौन बचाएगा, जिस वजह से वो उन दोनों सोल्जर्स को मारकर उनकी यूनिफॉर्म पहन लेते हैं और यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। अब हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग बहुत पैनिक कर रहे होते हैं। शान और सोयोंग यहाँ पर लड़ाई करने लग जाते हैं। शान कहता है कि वो लड़का जॉम्बी बन चुका था क्योंकि वो जॉम्बीज के बीच में गिर गया था और कुछ जॉम्बीज ने उसे काट भी लिया था, लेकिन सोयोंग यहाँ पर बताता है कि उसने जब इसे काटा तब वो जॉम्बी नहीं था, वो इंसान ही था। और इस सबसे परेशान होकर वो क्लास प्रेसिडेंट विंडो की तरफ जाकर खड़ी हो जाती है। सोयोंग भी उसके पीछे पीछे वहां पर चला जाता है और वो बताता है कि अगर ये ट्रांसफॉर्म हुई तो वो उसे खिड़की के बाहर फेंक देगा। लेकिन अब बिल्कुल ऐसा ही होता है, वो लड़की धीरे धीरे जॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, और ये देखते हुए शान उस पर हमला कर देता है, लेकिन सोयोंग उसके बीच में आकर उसे बचा लेता है। और अब ये दोनों यहाँ पर फिर से बहस करने लग जाते हैं। ये बताते हैं कि 2 में से खाली एक ही चीज हो सकती है, या तो वो लड़का जॉम्बी था या फिर वो बिल्कुल इंसान था। लेकिन अब ऑन्जा यहाँ पर सोयोंग की साइड लेने लग जाती है। इस पर शान कहता है कि तुम तो इसी की साइड लोगी क्योंकि तुम इसे लाइक जो करती हो। लेकिन अब ऑन्जो यहाँ पर बताती है कि कुछ लोगों में ये वायरस अलग तरह से असर करता है। अब यहाँ पर क्लास प्रेसिडेंट कहने लग जाती है सोयोंग से कि तुमने पहली बार मेरा नाम लिया, जिस पर सोयोंग उसका नाम फिर से लेता है जो कि होता है नामरा।
अब नावरा यहाँ पर कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम सभी लोगों से अलग रहूंगी, लेकिन आखिर में फैसला ये होता है कि नावरा सभी के साथ क्लास में ही रहेगी। सोयुंग यहाँ पर अपने हाथ को उसके हाथ से बांध लेता है और कहता है कि अगर इसने किसी को भी काटने की कोशिश करी तो मैं इसे खींचकर बचा लूंगा। अब हमें फिर से वही आरसीडी टीम दिखाई जाती है जो कि इमरजेंसी फोन को यूज कर रहे होते हैं, लेकिन वो भी डेड पड़ा होता है। अब हमें फिर से वही पुलिस वाला दिखाया जाता है जो कि उस बच्चे को अपने जैकेट के अंदर छुपा लेता है और एक स्कूटर के सहारे अपने साथी के साथ स्कूल की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती है। उस छोटी सी लड़की के पीछे ज़ॉम्बीज लगे होते हैं जहाँ पर वो ऑफिसर उसे बचा लेता है। अब वो लड़की उसे बताती है कि उसकी मॉम भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई जो कि उस रेस्टोरेंट के बाहर ही खड़ी थी। अब यहाँ पर इस ऑफिसर के बाहर निकलने का एक और प्लान भी खराब हो जाता है। अब हमें म्यूजिकल रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लोग खाने की बात कर रहे होते हैं। ये लोग यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक की बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो लड़की अंदर कोल्ड ड्रिंक ही पी रही होती है। अब ये लोग यहाँ पर उस पिंक स्वेटर वाली लड़की को गालियां देने लग जाते हैं जो कि वो अंदर ही बैठी सुन रही होती है, और वो गुस्से में आकर उस रूम को लॉक कर लेती है। अब इन लोगों को यहाँ पर याद आता है कि अंदर वाले रूम में खाना हो सकता है और ये लोग उसका गेट खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो गेट बिल्कुल नहीं खुलता। अब वो उस गेट को तोड़ने की कोशिश करते हैं जिस वजह से बहुत सारी आवाज आ रही होती है और म्यूजिकल रूम के बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब हमें ऑन्जो के फादर दिखाए जाते हैं जो कि क्वारंटीन जोन के बाहर भाग रहे होते हैं, और यहाँ पर ये सभी लोग हिम्मत हार चुके होते हैं और अपने लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और एपिसोड के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑन्जो के फादर को गोली लग जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। इसके आगे क्या हुआ पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में जो कि मिलेगा इसी चैनल पर। तो वीडियो को करना लाइक और चैनल को करना सब्सक्राइब।